हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसके पीछे अथक परिश्रम था, मानव जाति के कल्याण की प्रेरणा थी, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने, कुछ इनोवेटिव करने की सोच ने ही योग और आयुर्वेद जैसे चमत्कारों को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही हम इनोवेशन से पीछे हटे, स्थितियां बदलने लगी, हमारा प्रभाव कम होने लगा। इस स्थिति को अब पूरी तरह वापस बदलने की आवश्यकता है। आज समय की ही नहीं, पूरी मानवीयता की मांग है कि भारत अपनी स्थिति को बदले। साथियों, आज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर का रास्ता खोज रही है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। वो बहुत उम्मीद से भारत और भारत के आयुर्वेद की तरफ, भारत की यौगिक शक्ति की ओर बड़ी आशा भरी नजर से देख रहा है। उसे भी भरोसा हो रहा है कि योग और आयुर्वेद में भारत का अनुभव पूरे विश्व के कल्याण में काम में आ सकता है, और इसलिए हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण समय है कि अब एक पल भी ना गंवाया जाए, संकल्प लेकर आगे बढ़ा जाए, उसे सिद्ध किया जाए।